नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवीदास और मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठवरे। दोस्तों हो, आज के वीडियो का विषय है रेल कर्मचारी HRMS में अपना मोबाइल नंबर चेंज कैसे करें। तो दोस्तों हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं HRMS के स्क्रीन पर और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों हो, इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं रेल कर्मचारी HRMS में अपना मोबाइल नंबर कैसे चेंज करें। तो दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है और अपना HRMS ID पासवर्ड और OTP डालकर लॉगिन हो जाना है। दोस्तों हो, ये जो काम है मोबाइल चेंज करने का, हम लोग HRMS की ऐप से नहीं करने वाले हैं, हम लोग गूगल क्रोम से करेंगे। तो दोस्तों हो, मैं गूगल क्रोम में लॉगिन हो गया हूँ, तो इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में 3 लाइन दिख रही है, यहाँ पर एरो होता है, एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज खुल जाता है। तो दोस्तों हो, यहाँ पर आपको जो IR HRMS ESS V3 दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, दूसरा ऑप्शन आता है व्यू एंड एडिट माय डिटेल्स। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों हो, हम लोग इस वीडियो में मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे टैब है दोस्तों हो। यहाँ पर बेसिक इन्फो फैमिली है और यहाँ पर मैं ऊपर आप देख रहे होंगे तो एम्प्लॉय मास्टर के ये सब टैब है पहले वाले, और दूसरे वाले जो टैब दिख रहे हैं ESR के है। तो हम लोग ये मास्टर एम्प्लॉय मास्टर के टैब के ऊपर, जिसमें तीसरा टैब है कम्युनिकेशन इन्फो का। तो दोस्तों मैं ये कम्युनिकेशन इन्फो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरह का पेज खुल जाता है। मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल भी करके बता देता हूँ, ये है कम्युनिकेशन इन्फो का टैब। उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय ID वगैरह सब आ जाएगा, साथ में डिवीजन के जो वेरीफाई अथॉरिटी, डीलिंग क्लर्क और एक्सेप्टेंस जो अथॉरिटी होती है उनकी भी ID होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, रीज़न लिख देना है। रीज़न जैसे कि लिखना है प्लीज़ चेंज माई करंट मोबाइल नंबर। तो दोस्तों इस तरह से आपको रीजन लिख देना है। रीजन लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका बायोडाटा आ जाता है। तो आपको यहाँ देख रहे होंगे HRMS ID के नीचे में पर्सनल मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक कर देना है। जैसे आप टिक करोगे और आपके पास जैसे पुराना नंबर होगा और आप उसको चेंज करना चाहते हो OTP के लिए, तो आप इस तरह से यहाँ पे टिक करने के बाद ही आप यहाँ पे उस नंबर को चेंज कर पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों ईमेल आईडी आती है, तो ईमेल आईडी को अगर आपको चेंज करना हो तो ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर टिक करके चेंज कर सकते हो। और दोस्तों हो, यहाँ पर नंबर ये आता है कि ऑफिशियल मोबाइल नंबर, अगर आपके हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास में रेलवे का CUG नंबर अलग होता है और अपना पर्सनल नंबर अलग होता है। तो दोस्तों अगर आप इसका नंबर आप यहां पर देना चाहते हो तो आप दोस्तों हो यहां पर टिक कर सकते हो, अदरवाइज अपना पर्सनल नंबर भी रहने दे सकते हो। और कुछ कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी पर्सनल आईडी अलग होती है और ऑफिस की ईमेल आईडी अलग होती है, तो वो भी या चेंज कर सकते हैं। और आपकी भी ऐसी अगर हो, अलग अलग दो आईडी हो, ऑफिस की अलग और पर्सनल अलग, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। दोस्तों हो, ये कभी महत्वपूर्ण बात है, रिसीव OTP ऑन। तो यहाँ पर मैं अगर टिक कर देता हूँ तो यहाँ पर दो चीज़ें, दो ऑप्शन आते हैं, एक है पर्सनल और एक ऑफिशियल। तो ये कह रहा है कि जो भी OTP आएगा तो वो ऑफिशियल जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आएगा या आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आएगा। तो दोस्तों मैं जो पर्सनल नंबर है उसके ऊपर OTP बुलाना चाहता हूँ, तो मैंने पर्सनल के ऊपर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था एड्रेस चेंज करने के लिए, यहाँ से आप अपना परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस भी चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो इसके लिए मैंने वीडियो इसके बना चुका हूँ, इसलिए मैं अभी एड्रेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दूँगा। उसके बारे में दोस्तों हो, आपको मेरा एड्रेस चेंज करने का वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है, यहाँ पर आपको प्रूफ देना होगा मोबाइल चेंज करने के लिए। तो जैसे कि दोस्तों आप अपनी पे स्लिप यहाँ पर
अपलोड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जो पे स्लिप अपलोड करने के पहले आपको उसको 500 KB के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, और 500 KB के अंदर चेंज करने के लिए दोस्तों प्ले स्टोर से ये एक इमेज कन्वर्टर ऐप आती है, उसके द्वारा आप अगर ज़्यादा MB की होगी या ज़्यादा के 500 के ऊपर के KB की होगी तो आप 500 के अंदर की उसको KB में चेंज कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है और उसको अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक ट्रायल आपको बताता हूँ किस तरह से अपलोड होती है। देखो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से वो अपलोड होगी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में ये जो आपकी जो फाइल है ये जाएगी डिवीज़न ऑफिस में डीलिंग क्लर्क के पास। डीलिंग क्लर्क देखने के बाद में वो जाएगी वेरीफाई अथॉरिटी के पास, और उसके पास जाएगी एक्सेप्टेंस अथॉरिटी के पास। उसके बाद ही अगर तीनों लोग ओके करते हैं तभी आपको ये मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप इसमें कोई भी चेंजेस करें तो आप बहुत अच्छा स्ट्रांग डॉक्यूमेंट्स लगाएं, ताकि वो लोग चेंजेस को, हमारे चेंजेस को रिजेक्ट ना करें। तो दोस्तों हो यहाँ पे आप पे स्लिप लगा सकते हो, आपके स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर उसमें लिखे होते हैं, साथ में बेसिक पे सब कुछ जानकारी होती है पे स्लिप में। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, अपने ही मोबाइल से खुद ही कर सकते हो। दोस्तों अभी आपको किसी बाबू के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से मोबाइल नंबर चेंज करने की प्रोसेस हमने सीख ली है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मैं हूँ देवीदास, मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठौरे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।